हमारा दूसरा अलंकार चल रहा था यमक अलंकार। हमारा दूसरा यमक अलंकार चल रहा था। इस यमक अलंकार की कल हमने परिभाषा और एक उदाहरण से इसको क्या किया था समझा था। आज एक बार फिर से इसको रिवाइज कर रहे हैं। यमक अलंकार की परिभाषा लिखाई थी कि जिस काव्य पंक्ति में किसी शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तथा प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ लिए जाएं, यानी जिस शब्द की जितनी बार आवृत्ति होगी उतने बार ही उसके अलग अलग अर्थ लिए जाएंगे। मान के चलो कोई शब्द दो बार आया है तो दो बार ही उसके अलग अलग अर्थ लिए जाएंगे, तीन बार आएगा तो तीन बार अलग अलग अर्थ लिए जाएंगे। कहने का तात्पर्य है अगर जिस शब्द की जितनी बार आवृत्ति होगी उतने बार ही उसके अलग अलग क्या लिए जाएंगे, अर्थ लिए जाएंगे। उसके बाद मैंने शब्द अलंकार अलंकार है, इसमें जितने भी अलंकार अपने कोर्स में जैसे अनुप्रास, यमक और शलेश, इन तीनों अलंकारों की मैंने पहचान बताई है। और पहचान ये बताई है कि अगर शब्द अलंकार में किसी शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो वहाँ पर शब्द अलंकार नष्ट हो जाता है, यानी पंक्ति में से सुंदरता खत्म हो जाती है। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार की। शब्द अलंकार में पर्यायवाची शब्द रखो, अगर चमत्कार सुंदरता नष्ट है रही है तो शब्द अलंकार है, अगर सुंदरता नष्ट न है रही पर्यायवाची शब्द रखने से तो अर्थ अलंकार है। अब यमक अलंकार में कल मैंने एक उदाहरण से सिद्ध किया था, आगे आगे उदाहरण देखें। अगला उदाहरण है कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा नव मंडल तारक बृंद खिले, नव मंडल तारक बृंद खिले। ये कोई काव्य की पंक्ति है, काली घटा का घमंड घटा नव मंडल तारक बृंद खिले। पंक्ति कह रही है कि काले रंग की बादल की जो काले रंग की घटा है ना, उस घटा का जब घमंड घट जाता है, कम हो जाता है, तो नव मंडल में आकाश रूपी मंडल में तारक माने तारे रूपी, बृंद माने फूल, खिले माने खिलने लगते हैं। जब काली घटा का, यहाँ घटा शब्द की कितनी बार आवृत्ति आ रही है, दो बार आयो, पहले हो काली घटा, इसका मतलब है कि कोई बादल की काले रंग की क्या है, घटा है, और उसका घमंड घटा, दूसरे घटा का क्या अर्थ है, कम हो गया, उसका प्रभाव था वो क्या हो गया, कम हो गया। जैसे काले रंग की घटा का प्रभाव कम हुआ है वैसे ही आकाश में तारे रूपी फूल क्या होने लगे हैं, खिलने लगे हैं। तो पहली घटा का अर्थ हो जाएगा क्या, पहली घटा का अर्थ हो जाएगा बादल की घटा, बादल की काली घटा कर लो चाहे, बादल की काली घटा, बादल की काली घटा, पहली घटा का अर्थ हो जाएगा बादल की काली घटा, बादल की काली घटा, और दूसरी घटा का अर्थ हो जाएगा कम होना, दूसरी का हो जाएगा कम होना। ऐसे जितने बार जिस शब्द की आवृत्ति होगी उतने बार ही उसके अलग अलग अर्थ लिए जाएंगे। आगे दूसरा उदाहरण लिखें, लिखते चलो साथ ही साथ। दूसरा लिखें पद से चलकर ऊंचा पद पाओ, पद से चलकर
ऊंचा पद पाओ, पद से चलकर ऊंचा पद पाओ। इसमें पहले पद का अर्थ है पैर, दूसरे पद का अर्थ है स्थान। पहले पद का पैर, दूसरे पद का स्थान, पद शब्द की ही आवृत्ति हो रही है, उसी के अर्थ देखने, केवल जिस शब्द की आवृत्ति हो, और शब्दों के अर्थ से हमें कोई लेना देना नहीं है। तीसरा देखें, जल जीवन का, जल जीवन का आधार है जीवन, जल जीवन का आधार है जीवन। जल जीवन का आधार है जीवन, किसकी आवृत्ति हो रही है? जीवन की। तो जीवन का पहला अर्थ देखेंगे, जीवन का पहला अर्थ देखेंगे, जल जीवन का आधार जीवन है, तो पहले जीवन का अर्थ हो जाएगा प्राणी या व्यक्ति, प्राणी या व्यक्ति। और दूसरे जीवन का अर्थ हो जाएगा जल, दूसरे जीवन का अर्थ हो जाएगा जल, जल जीवन का आधार है जीवन। पहला है काली घटा का घमंड घटा नवमंडल तारक वृंद के लिए। दूसरा है पद से चलकर ऊंचा पद पाओ। तीसरा है जल जीवन का आधार है जीवन, जल जीवन का आधार है जीवन। इन तीनों उदाहरणों में जिस शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, उन सब के अर्थ भी अलग अलग निकल रहे हैं। जितनी बार जिस शब्द की आवृत्ति हुई है, उतने बार ही उस शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। इसलिए इन तीनों उदाहरणों में यमक अलंकार प्रयुक्त होगा। आगे उदाहरणों के क्रम में देखें, आगे देखें उदाहरण, उसके बाद आगे देखते हैं। सुन्यों तरु अरकते, सुन्यों तरु अरकते अरक समान उदौत, अरक समान उदौत। सुन्यों तरु अरकते अरक समान उदौत। इसमें अरक शब्द की एक से अरक शब्द की आवृत्ति हुई है, यानी अरक शब्द दो बार आया है। तो पहले अरक का अर्थ हो जाएगा सुन्यों तरु अरकते, अरक का मतलब हो जाएगा आग का पौधा, आग का पौधा। और दूसरा अरक का हो जाएगा अर्थ सूर्य, दूसरे का हो जाएगा सूर्य। सुनो तरु अरकते, हमने एक आग का पौधा सुना, पर वो अरक के समान प्रकाशवान नहीं था, सूर्य के समान प्रकाशवान नहीं था। अरक समान उदौत, यानी सूर्य के समान प्रकाशवान नहीं था। उसके बाद पांचवा उदाहरण देखते हैं। कहे कभी बैनी बैनी, कहे कभी बैनी बैनी ब्याल की चुराई लीनी। कहे कभी,
कहे कवि बैनी बैनी ब्याल की चुराए लीनी, ब्याल की चुराए लीनी, रति रति सोवा सब, रति के शरीर की, कहे कवि बैनी बैनी ब्याल की चुराए लीनी, ब्याल की चुराए लीनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। इसमें देखो एक तो बैनी शब्द की आवृत्ति हुई है, एक रति शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है। तो पहले अपन बैनी पहली बैनी का अर्थ देखेंगे। तो कहे कवि बैनी, पहली बैनी का अर्थ हो जाएगा एक कवि का नाम, एक कवि का नाम, एक कवि का नाम राम वृक्ष बैनीपुरी जिसका नाम था राम वृक्ष बैनीपुरी। राम वृक्ष बैनीपुरी। उसके बाद दूसरी बैनी का अर्थ हो जाएगा चोटी, दूसरी का हो जाएगा चोटी। उसके बाद तीसरी जो बैनी है वो सॉरी पहली जो रति रति है इसका अर्थ हो जाएगा जरा सा। और दूसरी जो रति है, दूसरी जो रति है उसका अर्थ हो जाएगा कामदेव की पत्नी। अगला उदाहरण देखें, तो पर वारो उर्वशी तो पर वारो उर्वशी सोने राध के सुजान तू मोहन के उर्वशी हवई उर्वशी समान हवई उर्वशी समान। तो पर वारो उर्वशी सुनराध के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवई उर्वशी समान। देखो ध्यान से समझो इसको। पहले इधर देखें, तो पर वारो उर्वशी कवि कह रहा है, बिहारी जी कह रहे हैं कि तो पर वारो उर्वशी, बिहारी जी कह रहे हैं कि सुन राध के सुजान, अरे सुजान माने चतुर, राध के माने राधा जी, सुनिए माने सुनिए। बिहारी जी कह रहे हैं कि हे चतुर राधा जी सुनिए, आप इतनी सुंदर हैं कि आपकी सुंदरता पर स्वर्ग में सबसे सुंदर उर्वशी नाम की अप्सरा को तुम पर क्या किया जा सकता है, नौछावर किया जा सकता है।
चतुर राधा जी सुनिए, कवि बिहारी जी कह रहे हैं कि हे चतुर राधा जी सुनिए, आप इतनी सुंदर हैं कि आपकी सुंदरता पर स्वर्ग में सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी नामक अप्सरा को भी आपकी सुंदरता पर नौछावर किया जा सकता है। तू मोहन के उर्वशी, तुम भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बसी हो, इसलिए तुम्हें उस उर्वशी के समान लगती हो, उस आभूषण के समान लगती हो जिस आभूषण को भगवान श्री कृष्ण ने अपने गले में क्या कर रखा है, धारण कर रखा है। तो पहली उर्वशी का अर्थ लिखें, पहली उर्वशी का अर्थ लिखें, उर्वशी नामक अप्सरा, उर्वशी नामक अप्सरा। उर्वशी नामक अप्सरा, उसके बाद दूसरी उर्वशी का अर्थ लिखें, हृदय में बसना, हृदय में बसना। हृदय में बसना। और तीसरी जो उर्वशी है, तीसरी उर्वशी का अर्थ लिखें, आभूषण विशेष, आभूषण विशेष। तीसरी उर्वशी का अर्थ हो जाएगा आभूषण विशेष। यहां उर्वशी शब्द की यहाँ उर्वशी शब्द की उर्वशी जो शब्द है वो तीन बार आया है, यानी उर्वशी शब्द है उसको एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है। और तीनों बार अलग अलग अर्थ की प्राप्ति हुई है, पहली उर्वशी का उर्वशी नामक अप्सरा, दूसरी उर्वशी का हृदय में बसना, और तीसरी उर्वशी का आभूषण विशेष। यमक अलंकार के उदाहरण के क्रम में आगे चलते हैं उदाहरण के क्रम में। मैं और अगला उदाहरण है, मैं और जग और, मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं और जग और कहाँ का नाता। इस समय देखो तीन बार और आया है, एक तो मैं और दूसरा जग और फिर तीसरा है और। इसमें मैं और का अर्थ हो जाएगा कि मैं यानी कभी अन्य लोगों से अलग है, भिन्न है। और जग और का अर्थ हो जाएगा ये संसार कभी के संसार से अलग है। और जो तीसरा और आया है इसमें ये संयोजक अव्यय के रूप में आया है, संयोजक अव्यय के रूप में आया है। तो यहाँ पहले मैं और का अर्थ ले में, यहाँ पहले मैं और का अर्थ लेंगे तो मैं और का अर्थ हो जाएगा मैं अन्य लोगों से अलग, यानी कवि हरवंश राय बच्चन अन्य लोगों से बिल्कुल अलग हैं। जग और यानी संसार भी बिल्कुल कवि के संसार से अलग है। और जो और शब्द आया ये इन दोनों को कंजक्शन के रूप में आया, यानी दोनों को जोड़ने यानी संयोजक अव्यय के रूप में आया है, संयोजक अव्यय के रूप में आया। इसलिए यहाँ और शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, और जितनी बार आवृत्ति हुई है उसके उतने ही बार उसके अलग अलग अर्थ लिए हैं। तो अगर आप लिखना चाहते हैं सुविधा की दृष्टि से लिख सकते हैं, पहले मैं और,
पहले लिखें मैं और, इसका अर्थ लिख सकते हैं मैं अन्य से अलग, मैं अन्य से अलग। उसके बाद दूसरा जग और इसका हो जाएगा संसार, का अलग होना। संसार का अलग होना। और तीसरा जो और आया है या वो है संयोजक अव्यय के रूप में, संयोजक अव्यय के रूप में। संयोजक अव्यय के रूप में आया है तीसरा। आगे देखते हैं कहने का तात्पर्य यह है कि यमक अलंकार में किसी ना किसी शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होगी, और जितनी बार उसकी आवृत्ति होगी उतने बार ही उसके अलग अलग अर्थ लिए जाएंगे। ये देखना है केवल यमक अलंकार में। यानी कहने का मतलब है कि जितने बार अगर किसी शब्द की आवृत्ति होती है और उतने बार उस शब्द की अलग अलग अर्थ निकलते हैं, वहीं पर आपको यमक अलंकार करना पड़ेगा। उसके बाद आगे देखते हैं तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती हैं, तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती हैं। सॉरी एक मिनट, इसमें तीन बेर खाती थी सही है, वे तीन बेर खाती हैं, तीन बेर खाती हैं। इसमें अब देखो बेर शब्द है, जो बेर शब्द है इसकी आवृत्ति हुई है, कह रहा है पंक्ति कह रही है कि तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती हैं। जब मराठा सरदार शिवाजी ने मुगलों पर आक्रमण किया तो उस समय मुगलों की जो रानियां थीं वो दिन में तीन बार खाना खाती थीं, और जब उस समय आक्रमण कर दिया मराठा सरदार शिवाजी ने उन पर और उनको महलों से निष्कासित कर दिया, बाहर निकाल दिया, पर्वतों पर रहकर जीवन यापन करने लगी, तब वहाँ पर वे केवल एक तीन बेर यानी एक बेर यानी एक फल विशेष को, तीन ही फल बेर जो हैं वो तीन केवल उनको ही खा करके अब जीवन यापन कर रही थी, जो पहले कहाँ समय में एक दिन में लगभग तीन समय भोजन किया करती थी, आज वे तीन बेर नामक फल को खा करके ही अपना जीवन यापन कर रही हैं। तो पहली बेर का अर्थ हो जाएगा बार, पहली का अर्थ हो जाएगा बार, और दूसरी बेर का अर्थ हो जाएगा फल विशेष, दूसरी बेर का अर्थ हो जाएगा फल विशेष। उसके बाद अगला लिखें नगाने जड़ाती थी, नगाने जड़े वाती थी, नगाने जड़े वाती थी, वे नगाने जड़ाती हैं, नगाने जड़ाती हैं।
नगाने जड़ाती थी वे नगाने जड़ाती हैं। कहने का मतलब है वही मुगल की स्त्रियां जो पहले आभूषण करने के लिए उनकी पटरानियां आती थीं, दासी उनका आभूषण करती थीं, आज वे ही मुगल की स्त्रियां और मराठा राजाओं की स्त्रियों का क्या कर रही हैं, श्रृंगार कर रही हैं। नगाने जड़वाती थीं अर्थात कहने का मतलब पहले वो दासियों से अपना श्रृंगार करवाती थीं और आज वे खुद ही मराठा रानियों की दासी बन गई हैं और उनका क्या कर रही हैं, श्रृंगार कर रही हैं। ये आपका अलंकार है कौन सा, यमक अलंकार। यमक अलंकार है, यमक अलंकार में सीधी सी बात है, अगर किसी शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, किसी शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है और उसके प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ निकलते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। ठीक है, ये आपका यमक अलंकार हुआ। अब कल आपका चालू करेंगे अपन श्लेष अलंकार, यानी शब्द अलंकार का अंतिम जो अलंकार है, शब्द अलंकार का अंतिम अलंकार है श्लेष अलंकार। उस श्लेष अलंकार का अध्ययन करेंगे कल।